इसके बाद राजनाथ जी ने भी आपको सदन में ही बोला था कि हम ओबीसी की कराएंगे। और... लगातार तो कर कर मोदी जी ओबीसी समाज से नहीं है वो रंगा सियार है वो दस प्रतिशत लोग क्यों नहीं करता उनको भी रोजगार तो चाहिए वो मंदिर के पुजारी क्यों मठाधीश क्यों साधन संसाधन सब मेरा आप मालिक क्यों उसमें अस्सी करोड़ लोग आपके पाँच किलो अनाज पर जिंदा है कितना भव्य विकास किया आपने जो पिछड़ों की बात करेगा वो सत्ता पर राज करेगा यदि आरक्षण नहीं दिया जाता तो ये पूरी भाजपा को गिराने का काम करेंगे हमने उस भाजपा सरकार को गिराने का काम इस किया इस बात के लिए वो प्र... सरकार नहीं सुनती तो 2024 में जिस प्रकार से इतने आए ये पूरी तरह पतन का काम ओबीसी वर्ग के लोग करेंगे इस इस, भाजपा को आर एस को खत्म करने का काम करेंगे इस समय हमारे देश में दो लड़ाइयाँ छिड़ी हैं अंबेडकरवाद वाद वर्सेज मनुवाद बहुजन समाज के जो लोग हैं वे लोग न्याय की मांग कर रहे हैं ओबीसी सी समाज जो है वो अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर है आंदोलन कर रहा है तमाम आंदोलन हुए लेकिन जो मोदी सरकार है जागने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जो बनावटी सो रहा है यानी जाग रहा है इसके बाद ही सोने का नाटक कर रहा है उसे जगाना बड़ा मुश्किल है हमारे साथ तीन चार लोग हैं लोगों से बातचीत करते हैं ये सब लोग ओ समाज से आते हैं ओ समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं लोधी जी आ, कल एक बड़ी बैठक होने वाली है दिल्ली में क्या पूरा है मामला आप लोग सरकार से क्यों नाराज़ हैं मैं ओ बी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ कल कोश क्लब ऑफ इंडिया में जो हमारा यहाँ पे जो कार्यक्रम है हमारा इसमें हमने पूरे भारत देश से जितने भी एक्टिविस्ट हैं ओबीसी वर्ग के उनको सबको बुलाया है और ओबीसी महासभा की 21 राज्यों में जो टीम उसको बुला के हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जब मोदी जी की 2014 में सरकार नहीं बन रही थी <laughs> तब ये चिल्ला रहे थे अपने आप को कि हम जनगणना कराएंगे इसके बाद राजनाथ जी ने भी आपको पता होगा सदन में ही बोला था कि हम ओबीसी की जनगणना कराएंगे और ये लगभग ये मान लीजिए आज़ादी के बाद लगातार चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की रही हो ये कहते रहे कि हम ओ की गिनती कराएंगे सिर्फ सत्ता में आने के लिए लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जनगणना नहीं कराई जनगणना हम इसलिए कहते हैं बार बार कि होना चाहिए कि कम से कम जनगणना हमारी हो जाएगी तो पता तो चल जाएगा कि कितने ब्राह्मण समाज के लोग झाड़ू लगाते हैं कि देखो सिर्फ ओबीसी बी सी की जनगणना की बात नहीं कर रहे हम हम सबकी जातिवाद जनगणना सब की बात वाज कर रहे हैं कि कम से कम काउंटेशन हो जाएगा कि कितने सुबह उठ के ब्राह्मण समाज के लिए लगाते हैं झाड़ू कितने ठाकुर समाज के लगाते हैं कितने बनिया समाज के लगाते हैं कितने लोधी समाज के लगाते हैं कितने यादव समाज के लगाते हैं और कितने एस जी सी के लगाते हैं लेकिन आपने देखा होगा इस देश के अंदर लगातार मोदी जी दुनिया भर की बात तो कर रहे हैं लेकिन जाति के जनगणना की बात नहीं कर रहे जाति का जनगणना इस देश के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है जब तक जाति का जनगणना नहीं होगी तब तक इस देश का उद्धार नहीं होने वाला तब तक इस देश में लगातार लड़ाई चलती रही क्यों क्योंकि जब जातिगत जनगणना होगी तभी हमारे अधिकार मिलेंगे तभी हमारे यादव को पूर्ण अधिकार मिलेंगे तभी लोधी को मिलेंगे तभी कुलमी को मिलेंगे कुशवाहा को मिलेंगे तभी साहू को मिलेंगे ताम्रकार को धाकड़ को गुर्जर को मिलेंगे नहीं तो ये कहे ये आर क्या भड़काता रहता है लोधी को ज्यादा मिल रहा है कहीं यादव को ज्यादा मिल रहा है कहीं कुशबा को ज्यादा मिलता है हमको लड़ाता रहता है लेकिन तीन परसेंट ब्राह्मण समाज जब सदन में जाते हैं सौ सौ सांसद बन के उसकी बात कोई मीडिया नहीं करता मोदी जी खुद ओबीसी समाज से आते हैं मोदी जी आर एस एस की प्रयोगशाला के ओबीसी है और प्रयोगशाला क्या होता है थोड़ा बताइए विस्तार से प्रयोगशाला मतलब उसको बनावटी तौर पर एक लाया गया हमारे सामने मैंने प्रदर्शित किया गया कि ये ओबीसी है और भोला भोला ओबीसी समाज उस बातों में आके उसको वोट कर दिया गंभीर आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के ऊपर आप बताइए अगर होते तो जनगणना कराते ना अरे वो अगर हमारे दुश्मन नहीं है हाँ। तो फिर हमारी जनगणना क्यों नहीं करा रहे हमें अधिकार दुश्मन है अरे हम कह रहे कि नहीं है, तो करा है ना जनगणना भाई कम से कम हमारे जो साहू समाज को हिस्सेदारी बने हुए मोदी जी आपके अरे मोदी जी हम कह रहे साहू समाज से है ना आप कह रहे साहू समाज का एक विधायक नहीं है अंदर एक एक अगर पूरे देश के अंदर जो कहते हैं ना सबसे ज्यादा साहू समाज है सबसे ज्यादा प्रताड़ित समाज है जिसके काम धंधे सब चौपट हो गए

हिंदू सम्राट है मोदी जी हमारे तो हिंदुओं के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और भी इसी जाता घंटा बजाने तो, किसी भी देश का विकास जो होता है सामाजिक विकास से अगर होगा तो ही हो सकता है सामाजिक विकास मतलब हर जाति के लोग जब आगे आएंगे तब इस देश का विकास होगा रोड बना देने से टर्नल बना देने से या तो हम इसका विरोध नहीं करते करना चाहिए लेकिन जब तक व्यक्ति व्यक्ति जो है हर व्यक्ति की अगर जब तक तो उसकी इनकम सोर्स नहीं बढ़ेंगे तब तक तो इस देश का विकास नहीं हो सकता है और वो तब होगा जब ओबीसी समाज को बजट मिलेगा और बजट तब मिलेगा जब ओबीसी समाज की जनगणना होगी अरे सर सबको घर मिल गया है घर में नल है नल में जल है किसानों को आमदनी दोगुनी हो गई है और क्या चाहिए आप लोगों को हमारा देखिए उनका बाप नहीं बना के दे रहा है हमारा यही एस सी एस सी सी ईदगाह का काम करते हैं यही सारा सब कुछ बनाते हैं मुझे बताइए कितने लडिया का काम करते हैं ब्राह्मण बनिया के लोग कितने रोड बनाते हैं कितने ट्रैक्टर चलाते हैं कितने खेतों की कटाई करते हैं ये पूरा देश तो ओबीसी चला रहा है वो क्या कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहे हमारा ये देश जो है ये बहुजन समाज का ओबीसी समाज का देश है लेकिन आज प्रताड़त है हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और संविधान जब से आ, हमारा देश आजाद हुआ है ये बाबा साहब भीर अम्बेडकर जोतबा फुले साहू जी महाराज तमाम जितने भी हमारे बहुजन समाज हैं उनकी विचारधारा पर हम लोग काम करके पूरे देश में ओबीसी समाज को इकट्ठा करके तीन हजार सबसे जातियों को इकट्ठा करके और एस की जातियों को इकट्ठा करके हम अपनी जाति की जनगणना कराएंगे किसी भी कंडीशन में कराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए सड़कों पर हमें अभी तो हम लोग ऐसे चल रहे हैं फिर हमें अगर कुछ और भी करना पड़ेगा वो भी करेंगे सर मनुवाद जो है लगातार हावी होता जा रहा है अम्बेडकर वाद पिछड़ता जा रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, मनुवाद हावी इसलिए हो रहा है कि अभी आपने बोली कि मोदी जी ओबीसी समाज से हैं तो मोदी जी ओबीसी समाज से नहीं है वो रंगा सियार हैं और सीआर वैसे ही ओबीसी वही तो वही से ही ओबीसी के जयचंद मान सिंह जैसे लोग हैं ना जो को पीछे धकेल रहे हैं और मनुवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं घर में मंदिर है नहीं आपके मैं बता दूं मंदिर से आपने बात की राम मंदिर काशी रोडेर की राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा कितने लोगों की शिक्षा मिलेगी कितने लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेगा कितने हाथों काम मिलेगा तो फिर एक तरफ आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास काउंटर क्वेश्चन बताइएगा जरा काउंटर क्वेश्चन ले रहा रहा आपसे मंदिर बन रहा है उसमें हजारों मजदूर काम कर रहे हैं जब आ, मंदिर बन जाएगा तमाम पुजारी बैठेंगे उनको रोजगार मिल रहा है, है। पुजारी कौन बैठेंगे हजारों मजदूर काम करेंगे या काम तो किए नहीं पूछता हूँ रोजगार वो है मेरा जो एक तरफ आप कहते है कि पकोड़ा बेचो रोजगार वो भी है मोदी जी कहते हैं रोजगार रोजगार है। है है बूट पॉलिश करो हाँ, भी, रोजगार है। रोजगार वो भी है। तो मैं ही क्यों करूं वो दस प्रतिशत क्यों नहीं करता उनको भी रोजगार चाहिए वो मंदिर के पुजारी क्यों मठाधीश क्यों साधन संसाधन सब मेरा आप मालिक क्यों बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा है आप यही कह रहे हैं कि उनको भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए वे लोग भी आए पॉलिश करें नाले मुतरे साफ सफाई करें बराबरी का अधिकार मिलना क्या, क्या, क्या भीख है मैं अपना हक मांग रहा हूँ अपना हिस्सा मांग रहा हूँ भीख नहीं मांग रहा हूँ क्यों इतने नाराज है मोदी सर आप लोग मोदी जी भर से कहा नाराज है साहब हम तो नाराजी है सरकार से नाराज हैं अरे गडकरी साहब बेहतर काम कर अमित शाह की पुलिस बेहतर काम कर रही है और क्या चाहिए आप लोगों को बेहतर काम अगर होता तो इस देश के 80 करोड़ लोगों को पाँच किलो का अनाज ना देना पड़ता भाई साहब तो मोदी जी की दरिया दिल्ली है दे रहे दे देते तो क्या कर लेते हैं? अच्छा दरिया दिल्ली है वही तो दिख रहा कि इतना अच्छा काम किए कि लगभग डेढ़ सौ करोड़ के लोग हैं उसमें अस्सी करोड़ लोग आपके पाँच किलो अनाज पर जिंदा है कितना भव्य विकास किया आपने इतना भव्य विकास की दुनिया में आपका ढिंडोरा पिट रहा है कि जिस देश की आवाम पाँच किलो अनाज पर जिंदा हो वो देश कितना विकास करेगा अगर यही अस्सी करोड़ लोग हाँ। जो कि आबादी लगभग 80 करोड़ केवल ओबीसी की है अगर यही 80 करोड़ लोग आज 8, आठ दस घंटे का रोजगार के रूप में काम करते किसी को आप एथलीट बनाते किसी के आप फैक्ट्रियाँ बनाते उनको परमानेंट रोजगार देते और बाकी चीज़ों में अपना ये सहयोग करते तो आज 80 अस्सी करोड़ लोग दूसरे अस्सी करोड़ लोगों को दूसरे देशों को लोगों को पाल रहे होते जिस तरह अन्य देश वहाँ काम करते हैं और यहाँ पर अपना पैसा भेजते हैं तो वहाँ भी यही होता कि हमारे देश में लोग आते काम करते हम उनको रोज़गार देते अपना भी पेट भरते और पूरी दुनिया में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता और बाहर से कमा के हम अपने देश को और बलशाली बनाते ये है असली चीज़ और आप कह रहे हैं कि भारी विकास हुआ है आप विकास राम मंदिर को मना रहे हैं कॉरिडोर को मना रहे हैं मोदी जी विश्व नेता बन गए हैं पूरी दुनिया में भारत का डंका है बिल्कुल आपने कहा कि मोदी जी विश्व के नेता बन गए हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने का जो कमाल किया है जो नाम किया है जो आंकड़े दिया है मोदी जी से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं है जिसने बेरोजगारी का आंकड़ा दिया चाहिए आठ साल में सात लाख नौकरी मिली हमारे देश में तो सात लाख नौकरी मिली है आंकड़ा होता है इतना बड़ा डंका बजा की डेढ़ करोड़ की आबादी में सात लाख लोगों को नौकरी मिली सोचिए आप मतलब शर्म से पानी पानी हो जाता है तन ये सुन के कि सात लाख नौकरी अभी बिहार राज्य अकेला दस लाख की नौकरी दे दिया यार वहाँ तो घोटाला है वो घोटालेबाज हैं इसीलिए वहाँ पर तो जंगल राज है देखिए वो इसीलिए तो वहाँ जंगल राज है इसीलिए तो घोटाला है जंगल राज जंगल राज किसे कहते हैं जंगल राज किसकी उपज है ये सब किसने उत्पत्ति किया वही लोग दस लोग देखा कि वहाँ पे गरीबों का शासन हो गया बहुजनों का शासन हो गया तो उसको जंगल राज की संज्ञा दे दी गई और आपने एक बात और कहा मोदी जी की दरिया बहुत तो दरिया दिल के आदमी है एक तरफ अस्सी करोड़ के हाथ में कटोरा थमाए और एक तरफ अम्बानी अडानी को देश के एयरपोर्ट बड़े बड़े कंपनियां को सौंप दिए दरिया तो किए हैं इसमें कहाँ जो है देख रहे हैं अडानी का कितना नुकसान हो रहा है आप तो भाई साहब गठन हो रहा है ये देश की जनता का नुकसान हो रहा है देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है अडानी तो पता नहीं आज है भारत में कल रहे या नहीं जिस तरह नीरव मोदी ललित मोदी विजय वैसे भाग सकते भी लिख लो आज न कल ये जाएंगे पक्का पक्का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज न कल ये भी भागेंगे और जिस दिन मोदी जी गए उस दिन तो पता नहीं इनका कहाँ आता पता रहेगा सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ बहुजन संसद लगाया जा रहा है तमाम प्रोग्राम्स किए जाते हैं बहुजन समाज के द्वारा कोई फर्क नहीं पड़ता जातिगत जनगणना नहीं करवाई जा रही है बिहार में तो खैर बिहार सरकार करवा रही है तो क्या करेंगे आप लोग सरकार नहीं मानती कोई अल्टीमेटम वगैरह देंगे आप लोग देखिए हम लोग ना लगातार हाँ। ओबीसी महासभा के बैनर तले हम लोग कम से कम एक लाख से ज्यादा ज्ञापन दे चुके हैं ज्ञापन क्या होगा मेरी बात सुन लीजिए जनगणना के मुद्दे पर हम ज्ञापन दिया और हम चेतावनी दे चुके हैं इस बात के लिए अभी तो हम लोगों ने भोपाल लखनऊ पटना रायपुर सभी जगह पर हमने बता दिया चेतावनी दे दी यदि हमारी जनगणना नहीं होती तो दो यार 24 में मोदी जी को गिराने का काम ओबीसी वर्ग के लोग करेंगे पहले जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हमने बोल दिया था जो पिछड़ों की बात करेगा वो सत्ता पर राज करेगा यदि सत्ताईस परसेंट आरक्षण नहीं दिया जाता तो ये पूरी भाजपा को गिराने का काम करेंगे हमने उस भाजपा सरकार को गिराने का काम किया उस आपका बात आपका समाज पाँच किलो राशन पर बिक जाता है वोट देता उसे जाकर के क्या बात करते हैं आप देखिए ये जो जो कहानी है जो झूठ की कहानी है लोगों के दिल दिमाग से अब निकलती जा रही है लोग जागृत होते जा रहे हैं जो हमारे तीन हजार साल से हमको गुलाम बना के रखा और वो इतना छोटा जो पांच किलो आटे की बात जो गेहूं की राशन, राशन की बात करते हैं हाँ। अब समाज समाज हमारा जब पैदा करने वाला समाज, इनके इनके पाँच किलो आटे पर उनकी राशन पे के मोहताज है इसके लिए हमारे लोग पूरी तरह से सक्षम हो चुके हैं अरे हमने देने वाले लोग हम देते रहे हैं हम दानव रहे हैं देख रहे हैं निकाय चुनाव आरक्षण खत्म कर दिया गया ओबीसी अभी भी सो रहा है आंखें मूद कर देखिए जिस प्रकार से जो कॉलेजम सिस्टम में जो जो लोग बैठे हुए हैं जो पूरी तरह से एक जाति के लोग बैठे हुए हैं एक वर्ग के लोग बैठे हुए हैं इससे ये स्पष्ट इस दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से जो लोग इधर तो बात करते हैं जन जब सेंसस की बात करने लगते हैं कि आपको सेंसस की बात करने लगते हैं मैं खुद पैसे से वकील हूँ मैं हर जगह पेशियाँ जहाँ भी हो रही हैं वहाँ हमेशा बात करते हैं कि सेंसस कराया जाए और उसके बाद जब जब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आया मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ आया उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आया तो बोलने लगे कि सब आपका आप ट्रिपल टेस्ट कराइए अरे तुम जब दस परसेंट आरक्षण तुम्हारा हुआ तब तुमने कोई डाटा नहीं मांगा और जब पिछड़े वर्ग की बात आती न? है पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी की बात आती है जो इस देश के अंदर आधे से ज्यादा आबादी है हर दूसरा आदमी ओबीसी है उनकी हिस्सेदारी बात आती है तो फिर ट्रिपल टेस्ट की बात करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, हाई कोर्ट में बैठे हैं, ये पूरी जातिवादी जज बैठे हुए हैं, जो सोशल जस्टिस की बात कभी नहीं करते तो में तो जीजा और साले को जज बनाया जा रहा है देखिए यही तो इस परंपरा के लिए ओबीसी वर्ग अब खड़ा हो चुका है और खुल के बात कहने लगे हम लोग उस बात के लिए इसको ये बदलाव नहीं होता तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी घेरेंगे और हाई कोर्ट को भी घेरने का काम करेंगे हमारी हिस्सेदारी और हम इस बात के लिए भी कह रहे हैं जो कांसी जी ने कहे जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी हिस्सेदारी यदि उस काम को यदि इस इस इस, इस बात के लिए वो सरकार नहीं सुनती तो 2024 में जिस प्रकार से जितने आए ये पूरी तरह पतन का काम ओबीसी वर्ग के लोग करेंगे इस 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 भाजपा को और आरएसएस को खत्म करने का काम करेंगे सर क्या लगता है अगर मोदी जी नहीं तो कौन मोदी जी नहीं तो वैसा थोड़ी है मोदी जी नहीं थे तब कौन मोदी जी ही रहेंगे तभी देश चलेगा नहीं। ऐसा नहीं है यही तो विडम्बना है हम हमारी जो लड़ाई है वो जैसे हम लोग जानते हैं कि मानसिक गुलामी मानसिक गुलाम है, है। मानसिक गुलाम गुलामी से अगर हम आज़ाद करवा दें मानसिक गुलामी सामाजिक गुलामी और आर्थिक गुलामी मानसिक गुलामी से आजाद कराएंगे स्वतः सामाजिक गुलामी से आजाद होंगे और सामाजिक गुलामी से अब आजादी मिलेगी तो आर्थिक आजादी जो है स्वतः मिल जाएगी जो लड़ाई चल रही है अम्बेडकरवाद वर्सेज मनुवाद की क्या लगता है कि आ, कुछ भला हो पाएगा क्योंकि आपका समाज जो भी समाज जाता है मंदिर में घंटा बजाता है पाँच किलो राशन पा जाता है सरकार बना देता है बीजेपी का हाँ ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तो इसी का जिम्मा इसी का बीड़ा ओ महासभा ने उठाया है और जो पाँच किलो राशन पर ही सिमट करके जो हमें सिर्फ पाँच किलो राशन दे करके और हमें दिग्भ्रमित करके और वोट वोट की वैल्यू को जो है अपने पक्ष में कर लेता है तो हम अपने लोगों के बीच में जा के उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि वो अपने हक अधिकार के प्रति सचेत हों और सचेत होकर के वोट रूपी ताकत का इस्तेमाल मोदी जी को कहा जाता है कि ओबीसी का हम बेटा है, लेकिन यही सबसे बड़ी विडंबना है कि मोदी जी ओबीसी का बेटा होकर के और ओबीसी के हक अधिकार को छीनने का इस भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में भारत जब से स्वतंत्र हुआ है पचहत्तर वर्षों के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर, अगर हक और अधिकार छीना गया तो मोदी जी के शासन काल में छीना गया ओबीसी का हक अधिकार जो मोदी जी स्वयं को ओबीसी का बेटा कहते हैं तो ये सबसे बड़ी विडंबना है और इसी वजह से अभी हमारे साथी ने कहा कि मोदी जी दुश्मन है ओबीसी के तो बिल्कुल बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी ओबीसी समाज के दुश्मन है तो देखिए ओबीसी समाज से है नेता है बहुजन नेता है मोदी जी को ओबीसी का दुश्मन बता रहे हैं हालांकि इनके बातों से नेशनल दस्तक इतफाक नहीं रखता जो आरोप मोदी जी के ऊपर लगा रहे हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा सहयोगी कबरुद्दीन के साथ मैं नवीन कुमार नेशनल दस्तक दिल्ली नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें